ई श्रम कार्ड देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों को एक साथ लाने के लिए ई श्रम योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार मजदूरों और श्रमिकों को आर्थिक मदद पहुंचाती है। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए कोई भी 16 से 59 वर्ष का असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप ई श्रम कार्ड अपना नहीं बनाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां आप जाकर के वीडियो देख के आप अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। अगर आप पहले से बनाए हुए हैं और उसमें कोई करेक्शन करना है या मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो कैसे किया जाता है, तो चलिए मैं इसी के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप कोई भी गूगल ब्राउजर को ओपन करेंगे, इसमें आप यहाँ टाइप करेंगे ई श्रम और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये ई श्रम.gov.in ये ऑफिशियल साइट है, इसको हम ओपन करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन ई श्रम इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ पर्सन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड अपडेट इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया टैब में ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ई श्रम नंबर है तो वो यहाँ फिल करेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ ये कैप्चा फिल करेंगे और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका ई श्रम कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोफाइल का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, वहाँ जाके कोई भी करेक्शन आप कर सकते हैं। तो मेरे पास UAN नंबर यानी ई श्रम नंबर नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इसके ऑप्शन को ओपन करेंगे और यहाँ से अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार, चलिए हम यहाँ आधार कार्ड का डिटेल्स दे करके अपना प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। तो उसके लिए इस पर क्लिक करना है हमें। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका ई श्रम कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ आपको आधार नंबर फिल करना होगा। अगर आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ फिंगरप्रिंट चूज करेंगे और आपको थम्स देकर के अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ ओटीपी वाला ऑप्शन को चूज करेंगे और कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ फिल करेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको इस पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ अपडेट EKYC इन्फॉर्मेशन इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप दोनों काम कर सकते हैं। डाउनलोड UAN कार्ड यहाँ पे क्लिक करके आप अपना कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपडेट प्रोफाइल इसके ऑप्शन पे क्लिक करके कार्ड को आप अपडेट भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसको हम अपडेट करेंगे, तो यहाँ अपडेट प्रोफाइल इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप करेक्शन कर सकते हैं, एड्रेस में कर सकते हैं, एजुकेशन इनकम में कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन आप स्किल्स में कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में कर सकते हैं, प्रीव्यू प्रोफाइल में भी कर सकते हैं। चलिए हम इनकम में करेंगे, एजुकेशन एंड इनकम में, तो इसके ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको यस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में करेक्शन कर सकते हैं। चलिए हमें पहले इसी को करेक्शन करना है, हम नॉट इलिटरेट इसको चूज करेंगे और यहाँ मंथली इनकम मेरा ठीक है तो इसको हम रहने देंगे और यहाँ अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ कंटिन्यू कर देंगे तो ये मेरा अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम बैक आएंगे और यहाँ मुझे फिर पर्सनल डिटेल्स में भी करना है तो यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको यस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमें नॉमिनी ऐड करना है तो नॉमिनी ऐड करेंगे, तो नॉमिनी का सबसे पहले यहाँ नाम फिल करेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करेंगे, उसका यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, नॉमिनी का रिलेशन में क्या लगेगा वो यहाँ फिल कर देंगे, नॉमिनी का एड्रेस या नॉमिनी का मोबाइल नंबर और यहाँ अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप जो भी चाहे करेक्शन कर सकते हैं। चलिए मेरा हो गया सब कुछ करेक्शन, तो यहाँ से हम यहाँ बैक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मुझे डाउनलोड भी करना है तो यहाँ डाउनलोड UAN कार्ड इसके ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपका कार्ड इस तरह आ जाएगा, इसको हम यहाँ डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड UAN कार्ड इसके ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, PDF में ये डाउनलोड होगा। चलिए इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए देखने में कुछ इस तरह का ये कार्ड होगा और इसमें हमको जो भी करेक्शन करना था हम कंप्लीट करेक्शन कर चुके हैं, इसका KYC भी अपडेट कर चुके हैं। सो इसी तरह से आप अपना ई श्रम कार्ड को अपडेट कर सकते हैं या खो गया है तो उसको दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। UAN कार्ड नंबर अगर नहीं पता है तो आप आधार कार्ड का डिटेल्स दे करके अपना UAN कार्ड नंबर जान सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।